हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स जो आपका चैप्टर है 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सरसाइज 4.3 है ना, उसे हम शुरू करेंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ना, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे उसमें एक टॉपिक आपका रिलेट करेगा, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन करके लिख सकते हैं, है ना। इसकी बात कर लेते हैं कि ये भैया क्या होता है। आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, क्या होती है वो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए नॉन जीरो होना चाहिए। ये आप जानते हैं, ये ए बी सी, आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखेगा, आप कंपेरिजन करेंगे ए बी सी तो आपको आराम से मिल जाएगा। एक चीज होती है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जिसे डी से प्रेजेंट किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इफ अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर डी की वैल्यू जीरो है, तब तो सॉल्यूशन निकलेगा। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। सिंपल चीज़ में आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपैरिजन करोगे ए बी सी मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोलेगा अभी, अगर डी आपका पॉजिटिव आता है या फिर जीरो आता है तो रियल रूट्स निकलेंगे, अगर डी नेगेटिव आता है तो रियल रूट्स नहीं निकलता है, ठीक है, तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बोल रहे हैं, देखिए एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन, कैन यू फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो बाई मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से ही आपको ये चीज़ निकालनी होगी। पहले एग्जिस्टेंस देखना पड़ेगा, उसके बाद बाकी चीज़ें करनी है। तो पहले पे आ जाऊँ, ए कितना है यहाँ पर 2, बी कितना है माइनस के 7, सी कितना है 3। सिंस डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी, ए कितना है 2, सी है 3, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है 49, चार दिन 8 या 24, 25 यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब देयरफॉर सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट, ठीक है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि पॉजिटिव आया है डी। अगर डी पॉजिटिव आया, जीरो आए, तब तो सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड लगाना है, जिस मेथड से बोला जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आपको उसी मेथड से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आप कोई दूसरा मेथड यूज करते हो तो नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। सो वो फर्स्ट पार्ट कम कर रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। ये वाला टर्म अगर आप देखो, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। इस टॉपिक पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, उसकी भी लिंक्स में डाल दूंगा। सिर्फ तो एक दो क्वेश्चन लिए हैं दोनों टाइप के, है ना। ये 2 है, अगर यहाँ पर 1 हो, 4 हो, 9 हो, 16 हो, 25 हो, मतलब ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो डिवाइड नहीं करना है। 2 परफेक्ट स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपका अक्सर रूट 2 का स्क्वायर होता है, नहीं ऐसे पद नहीं लेना है, ठीक है। अगर 1 हो, 4 हो, तो चलो उसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, लेकिन 2 को नहीं लिख सकते, है ना। तो देखिए यहाँ इसको, ये डिस्टर्ब कर रहा है 2, हमें 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, टू से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ठीक है। टू से डिवाइड करेंगे, 2/2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7/2x, यहाँ से आ जाएगा 3/2, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो टर्म होता है ना बच्चों, ये होता है 2ab का टर्म, इसे अब इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और ये x आया है ना, एक्स स्क्वायर को x ले सकते हैं, यहाँ जो a आ जाएगा वो आपका आ जाएगा x, ठीक है। सिंस
तो वे भी आपके पास क्या है, 7/2। ठीक है ना, सिंबल को नहीं देखना है, ए के प्लस पे एक्स है वो रख दो यहाँ, एक्स से एक्स कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा 2 × 4। तो बी हमें क्या मिल गया, 7/4। बी हमें क्या मिल गया, 7/4। अब हमें क्या करना है, अब हमें इक्वेशन नंबर 1 में बी स्क्वायर को ऐड करना है और बी स्क्वायर को माइनस करना है। किसी को आप 5 रुपये दे रहे हो, 5 रुपये ले रहे हो, तो नेता लोग को कितना हमें काम करना है, वादा करते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं करते हैं, है ना। तो वही हमें यहाँ काम करना है, कैलकुलेट हो गया, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बी स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, पहले वाले इक्वेशन से बी स्क्वायर को हम ऐड करेंगे और माइनस करेंगे। देखो पहले 2 टर्म तो वैसे ही रखो, अब 2 टर्म के बाद बी स्क्वायर को ऐड करो फिर माइनस करो, और लास्ट वाला टर्म क्या था, 3/2 वही लिख दो इधर, इक्वल टू 0 है। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। सो देखिए क्या आ जाएगा, ये जो टर्म है ना ये परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। अगर एक टर्म नेगेटिव आया है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएगा, अगर तीनों टर्म पॉजिटिव है तो प्लस का बनाएगा, तो ये ए माइनस बी बनाएगा। तो ए कितना है एक्स, बी कितना है 7/4 स्क्वायर। आप स्क्वायर खोल के देखो यही आ जाएगा, और ये बाकी जो दो टर्म है उसको उठा के उस तरफ ले जाओ, क्योंकि ये प्रोसीजर है, नेगेटिव का उधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, और पॉजिटिव का क्या हो जाएगा नेगेटिव का, 49/16 3/2। ठीक है, 2 8 8 24, तो ये आ जाएगा 25/16। ठीक है, सो यहाँ से जाएगा एक्स माइनस 7/4, और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे प्लस माइनस आ जाएगा 25 का 5 और 16 का 4। किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, दुविधा हो तो एक बार दोबारा ज़रूर देखना। अब यहाँ तक हो गया, अब देखिए क्या करना है, क्या करोगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो पहले देखो पॉजिटिव का लेंगे, ये नेगेटिव के तरह के क्या हो जाएगा, नीचे सेम एलसीएम सेम आ जाएगा, 5 + 7 12/4, 4 3 जा एक्स के प्लस पे कितना आ गया, 3 आ गया। अगेन टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे तो एक्स माइनस के 7/4 या 5/4 क्या है नेगेटिव का, ये नेगेटिव कह रहा है पॉजिटिव का, और ये तो पहले से ही नेगेटिव का है। (2 1 2 2 2 4) तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, ये दूसरा रूट्स आ गया एक्स का, एक वैल्यू 3 आएगी, दूसरी वैल्यू 1/2 आएगी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हैं, हो गया आपका आराम से, पहला वाला हो गया है ना। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, दूसरे वाले पे देखो, वैल्यू पुट अप करेंगे, बी की वैल्यू क्या है, 1 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -4, 4 × 8 8 × 32। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 33। कितना आ गया, 33। तो ये भी सॉल्वेबल है।
ठीक है, क्योंकि इट सिंस डी आपका क्या है पॉजिटिव है, सो सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट। तो आपका सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डी पॉजिटिव का है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। ये टर्म दिक्कत कर रहा है, डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। डिवाइडिंग टू ऑन बोथ साइड वी गेट टू अपॉन टू हट जाएगा ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू माइनस के टू इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर वन है ना, मैंने आपको क्या बोला था, ये वाला जो टर्म होता है वो होता है टू ए बी का, और यहाँ से आपको ए क्या मिल जाएगा, एक्स, सिर्फ एक्स है। ठीक है, एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया। ओके, आपको बी निकालना होता है। अब टू ए बी आपका एक्स बाई टू, ए की जगह पर एक्स, एक्स वन जो एक्स टू टू जो फोर है ना, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, वन बाई फोर। अब बी स्क्वायर को ऐड करना है, माइनस करना है, पहले दो टर्म वैसे के वैसे ही रखने हैं, फिर ऐड करना है, फिर माइनस करना है, और फिर जो टर्म था वो उसको ऐसे रखो। ये तीनों प्लस के हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बाकी दोनों टर्म को उठा के उधर ले जाने हैं, नेगेटिव का इधर आगे पॉजिटिव का हो जाएगा। इसके अपन कुछ नहीं, तो वन एल सी एम 16 16 32, तो यह आ जाएगा 33/16। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट निकालोगे, प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट 33 और 16 का स्क्वायर रूट 4। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा। आगे क्या होना है, ये प्लस का जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस रूट 33/4 और ये प्लस का 1/4 आके क्या हो जाएगा, माइनस के 1/4। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, या फिर दो केस जो बनते हैं, पॉजिटिव साइन ले लो एक बार नेगेटिव साइन ले लो, जब पॉजिटिव साइन लोगे तो बस प्लस का लेना ही है, रूट 33 पॉजिटिव साइन लेने पे ये आंसर आएगा, नेगेटिव साइन लोगे ये क्या जाएगा, इसको बस नेगेटिव का लेना है, एलसीएम क्या जाएगा 4, ये नेगेटिव लेने पे आंसर आ जाएगा, ये पॉजिटिव पे आंसर है, ये नेगेटिव पे है। ठीक है, ये सेकंड वाला भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाते हैं थर्ड पे, हो गए ये सब आराम से है ना, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड पे देखिए, ए के प्लस पे क्या है, 4 4√3 3। नाउ आ जाएगा आपका
सोलह टू थ्री ये 48, तो यह आ जाएगा 48 माइनस 48 यानी कि ज़ीरो। तो देखो डी आ गया ज़ीरो। देयरफॉर सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट। सॉल्यूशन हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि डी अगर ज़ीरो आएगा और डी अगर पॉजिटिव का आएगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। आप आराम से सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई। नाउ इसका निकालना हमें, तो देखो आप फोर आ गए, परफेक्ट स्क्वायर है, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर वन, ये जो टर्म होता है बच्चों किसका होता है, टू ए बी का, और अब की बार ए के प्लेस पे क्या है बच्चों, टू एक्स है ना। नाउ ए के प्लेस पर टू एक्स रखेंगे, आ गया अभी। तो बी तो हमें मिल चुका था, अब हमें इक्वेशन नंबर वन में बी स्क्वायर को ऐड करना और बी स्क्वायर को माइनस करना है। तो देखिए बी स्क्वायर, बी कितना है, रूट थ्री। तो पहले दो टर्म तो वैसे का वैसे ही रहता है, बी स्क्वायर को ऐड किया, स्क्वायर को माइनस किया, और ये ऑलरेडी थ्री है यहाँ पर, उसको लिख दो। ये बनाता है परफेक्ट स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए कितना है टू एक्स, बी है रूट थ्री। ये दो टर्म उस तरफ आ जाते हैं, जीरो का रूट तो जीरो ही होता है ना, जीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है, जीरो प्लस माइनस जीरो ही होता है। टू एक्स प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, देखो बच्चों माइनस का, सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस के थ्री बाई टू, दोनों ये होगा है ना। जब डी आपका जीरो आता है ना तो रूट्स आपके सेम आते हैं, जब डी ज़ीरो होता है रूट सेम आते हैं, तो दोनों रूट्स वही होंगे, बोथ, यहाँ लिख देना बोथ। फोर्थ पे आ जाओ, ए बी सी हमारा इतना है, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव होने पर रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये सॉल्वेबल नहीं है। इट इज़ नॉट सॉल्वेबल, ये बच्चा हमारा क्या सॉल्वेबल नहीं है, ठीक। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, मतलब पहले का ही है, क्वेश्चन सारे हुए हैं लेकिन मेथड अब की बार अलग है। अब की बार आपको लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला,
ये हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, ये हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसकी मदद से हम करते हैं। इसका यूज़ तब किया जाता है जब फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है, फैक्टराइजेशन आपकी मुश्किल हो रही है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे बेस्ट माना जाता है। तो ये तो हो गया फार्मूला, तो ये हुआ, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट। एक्चुअली ये आप अगर ध्यान से देखें ना अंदर, ये क्या है बच्चा हमारा, ये क्या है बच्चा हमारा, डी है, डिस्क्रिमिनेंट है। और अगर आपको पता हो पहले वाले क्वेश्चन में ये एग्जिस्ट था, ये भी एग्जिस्ट था, ये भी एग्जिस्ट था, डी इसका आपने निकाला था, पहले वाले का डी आया था 25 एंड दूसरे वाले का डी आया था आपका 33, ठीक है, एंड आपको बिलीव नहीं होता तो वीडियो को बैक करके देख सकते, तीसरे वाले का डी आया था आपका 0 एंड चौथा वाला तो सॉल्वेबल ही नहीं था ना, नेगेटिव है, जो नेगेटिव आया उसको तो सॉल्व ही नहीं करना है। अब डरो मत, करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। चलिए पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है देखो हियर, पहले वाले पे ये है 2, बी है -7, सी है 3। नाउ डी निकालना है आपको, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, पहले ही निकाल चुके हम, है ना, बी क्या है माइनस के 7 स्क्वायर 4, ए कितना है 2, सी कितना है 3, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 7 जो 49, 4 दुनिया 8, 8 या 24, तो ये कितना आ गया 25। पहले ही हम निकाल चुके हैं, वो मैंने लिख दिया है, बस मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ कि बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा है। अब क्या लिखोगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर टू माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो या सिर्फ डी लिखो जो आपको सही लगे, ठीक है, फिर आप वैल्यू पुट अप करो, तो माइनस बी कितना हमारे पास माइनस के 7 प्लस माइनस डी हमारा कितना है पहले वाले में आया था 25, 2, ए कितना हमारे पास बच्चों 2 है, 7, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता 5, 4, है ना, एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब आपको क्या करना, प्लस माइनस में ले लेना है, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है, 7 प्लस में ले लिया, 12 upon 4, 4 3 जा, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। फिर क्या करोगे, नेगेटिव साइन लोगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन जब लेंगे तो 7 माइनस के 5 ले लोगे आपकी बार यहाँ से, और 2 by 4 विच मीन्स 1 by 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मेथड आप कोई सा भी लगाओ आंसर वही आना है, आराम से हो गया। बाकी के तो सबके तो हमने डी निकाल रखे हैं ना, सो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी सबके डी हमने पहले से ही निकाल रखे हैं, ठीक है। सेकंड वाले पे आ जाओ, हियर ए कितना है 2, बी कितना है 1 और सी कितना है माइनस के 4। यहाँ रखेंगे देखो, बी कितना है 1 प्लस माइनस डी, सेकेंड वाले पर डी कितना आया था 33 आया था, 2 ए कितना है हमारे पास 2, सो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33, 2 2 जो 4, ठीक है। सो यहाँ लिखोगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, और एक तरफ लिख लेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव में बस प्लस के ले लो, आंसर, और नेगेटिव में बस नेगेटिव का ले लो, आंसर, हो गया एकदम आराम से, इतना आसान था। सेकंड वाला भी हो गया, थर्ड वाले पे आ जाओ, ठीक है, थर्ड वाले पे आ जाओ, ए कितना है 4,
बी कितना है, 4√3 सी है प्लस के 3। ठीक, यहाँ पर रखेंगे बी कितना है 4√3 प्लस माइनस डी कितना आया था 0, 2a ए कितना आया था 4, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4√3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 4 × 8। ठीक है, 4 × 8 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 3/2, ऊपर आ जाएगा प्लस माइनस 0। ठीक है, सो प्लस लो या माइनस लो, अगर प्लस भी लोगे या माइनस भी लोगे तो आंसर दोनों वही आएगा, माइनस के 3/2 दोनों केस में। टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, इट डजेंट मीन कि डिफरेंट डिफरेंट आंसर देखें, क्योंकि 0 ऐड करो 0 माइनस करो वही रहता है, तीनों सॉल्यूशन हो गए फटाक से। चौथा तो सॉल्वेबल ही नहीं है क्योंकि डी हमारा नेगेटिव आया था इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम काफ़ी पूछता है। सो पहले वाले को सॉल्व करते हैं और आपकी मर्जी है। यहाँ बोला है आप x को 0 नहीं ले सकते, ठीक है, इसके अपन एलसीएम ले लिया x, x इंटू x, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके अपन कुछ नहीं तो 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर आ जाएगा 3x, प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x और ये प्लस का 1। ठीक है, ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 1 आए और ऐड करें तो 3 आए, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फार्मूला हेल्पफुल होता है जब आप फैक्टराइज नहीं कर पाते हो, तो वहाँ पर क्या हेल्प करता है आपको, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर यहाँ देखेंगे, हियर ए के प्लस पे 1 है, बी के प्लस पे माइनस 3 है और सी के प्लस पे 1 है। ठीक है, सो डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, यही होता है, माइनस बी, बी कितना है माइनस के 3, फिर क्या है बी स्क्वायर माइनस के 3² 4, ए है 1 सी है 1, वैल्यू पुट अप कर दी। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, स्क्वायर 9 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ के 3 प्लस माइनस यहाँ से आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन ले लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन तो 3 + √5/2, ये तो एक आंसर आ गया क्योंकि रेशनल रेशनल कभी ऐड नहीं होते। फिर दूसरा ले लो टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लोगे बस यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। आराम से हो गया, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो बच्चों पर दोबारा ज़रूर देख लेना, तो ये प्रॉब्लम भी आपका आराम से बन गया है ना। अब आ जाओ सेकंड वाले में, सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाला बल्कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड में भी पूछा गया है। एलसीएम आ जाएगा ये, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, पॉजिटिव का नेगेटिव कैंसिल, माइनस 7 माइनस 4, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 7 माइनस के 3x, 4 × 7 = 28। ठीक है, ऊपर आ जाएगा माइनस के 11, इलेवन वन जाए इलेवन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
28 बन जा 28, 30 बन जा माइनस के 30, नेगेटिव के इधर आगे पॉजिटिव का हो गया, यहाँ से बच के प्लस के 2। ठीक है, सो अब इसका ऑप्शन क्वेश्चन तो 1 मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 2, यस, क्योंकि इसका ऑप्शन 1 है, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए 3, 2 1 2, 2 और 1 3 होते हैं, आराम से बन गया। एक पेयर यहाँ से, एक पेयर यहाँ से, इस पेयर से एक्स कॉमन, इस पेयर से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 ले लो, तो अंदर एक्स माइनस 2 बचेगा, क्योंकि बाहर नेगेटिव है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे फैक्टर बनाने के लिए। ये सही आया है, 2 बार आया है, मतलब सही किया आपने, और यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस 1 जो आपने कॉमन निकाला है। इफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस का 2 इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा, अगेन इफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इजीली हो गया, आशा करता हूँ ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 में इसके जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम है वो हम कर लेंगे एक ही साथ सारे क्वेश्चंस। आशा करता हूँ ये समझ में ज़रूर आया होगा, पार्ट 2 में इसके सारे वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे, बाकी सभी चैप्टर करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर चेक करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, और अपना ख्याल ज़रूर रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। जय हिंद।